हेलो फ्रेंड, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी को आने में अब कुछ ही समय रह गया है और ऐसे में सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया हुआ है। व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए कि ऐलान क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले राहत की खबर छोटे कारोबारियों के लिए है। 20 लाख रुपए से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है। इतना ही नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भारी भीड़ और अफरा तफरी को देखते हुए भारत सरकार ने स्रोत पर टीडीएस टीसीएस के प्रावधानों के एग्जीक्यूशन फिलहाल टाल दिया है। दूसरी बात, ई कॉमर्स के जरिए सामान बेचने वाली ऐसी कई छोटी कंपनियां हैं जो छोटा बिजनेस करती हैं, ऐसी कंपनियों को भी फिलहाल रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। तीसरी बात, जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों को 2.5 लाख से अधिक की वस्तुओं या फिर सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर 1% टीडीएस कलेक्शन हासिल करना होता है, लेकिन फिलहाल इस प्रावधान को भी स्थगित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इस कदम का मकसद जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीसीएफ कटौती करने वालों और ई कॉमर्स का पंजीकरण शुरू कर दिया है। जीएसटी से कर आधार बढ़ने, कर चोरी पर लगाम लगने और जीडीपी में करीब 1-2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।